एक्सक्यूज मी, क्या तारक मेहता यहीं रहते हैं? जी हाँ, यहीं रहते हैं। इसके पास भी सेम टू सेम बैग है। हाँ भाई साहब, आप मेहता सबको क्यों ढूंढ रहे हैं? देखिए, मॉल में भगदड़ मचने की वजह से मेरी बैग और तारक मेहता जी की बैग एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई थी। ये साड़ी मेरी नहीं है, ये घड़ी मेरी नहीं है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? वाह, आले आले। आश, क्या हो भाई? क्या है, सब सारे लोग कंपाउंड में क्यों इकट्ठे हैं? आप लोग, नमस्कार। चलिए, क्या बात है भाई, आज तो बिल्कुल तैयार होके कहीं जाने की तैयारी है क्या? माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही हो ये, पर ये साड़ी कब ली तुमने? ये साड़ी पहले देखी नहीं मैंने। तारक, आप मेरे लिए जो सरप्राइज गिफ्ट लेके आए थे ना, उसी बैग में से ये साड़ी निकली। मैं जो सरप्राइज गिफ्ट लेके आया था, उस बैग में से ये साड़ी निकली है? हाँ, आप किसी भगदड़ मॉल में गए थे? मतलब ऐसा किसी मॉल में गए थे जहाँ भगदड़ मची हो? हाँ हाँ, फायर अलार्म बजा था वहाँ पे और भगदड़ मच गई थी। हाँ, और मेहता साहब, भगदड़ की वजह से आपका बैग इनके साथ में चेंज हो गया और इनका बैग उनके साथ में चेंज हो गया। ओह, तो ये सारा कंफ्यूजन था, आप समझ में आया? मतलब आप लोग अपना अपना बैग लेने के लिए आए, तो मेरा बैग कहाँ है? ये रहा आपका बैग। अरे भाई साहब, थैंक यू सो वेरी मच, वरना सारी गड़बड़ हो जाती। थैंक्स, अंजलि की गिफ्ट आखिर सही जगह पे पहुंची गई। ये लो भाई, ये है तुम्हारी गिफ्ट। हाँ तो दीजिए। हाँ हाँ, भाभी पकड़ी ना। हाँ हाँ। अरे अंजलि, इस गिफ्ट को सबके सामने यहाँ खोलने की क्या जरूरत है? आराम से घर जाके खोल के देखना ना। नहीं, जो गिफ्ट मेरी नहीं थी वो मैंने सबके सामने खोली, तो अब मेरी गिफ्ट भी मैं सबके सामने खोलूंगी, ठीक है ना? घर जाके अंजलि भाभी, खोलिए खोलिए। हाँ, दिखा दिखा मेहता साहब क्या लेके आए आपके लिए। है ना सब बराबर है? घर जाके आराम से। जल्दी खोलिए जल्दी। ये लाए मेरे लिए? हाँ, मतलब अब ये है मेरा सरप्राइज गिफ्ट। पत्नी को खुश रखने के 1000 तरीके। मेहता साहब, असल में अंजलि क्या है कि मैं क्या गिफ्ट दूं बड़ा कंफ्यूज था। सुबह से सबसे फोन करके भी पूछा कि भाई बताइए क्या गिफ्ट दूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मॉल में गया तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या खरीदूं। फिर मेरी निगाह इस किताब पे पड़ी, तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया गिफ्ट तुम्हारे लिए क्या हो सकती है कि मैं तुम्हें रोज खुश रखूं। भाई, तुम्हें खुश रखने के 1000 तरीके, तो अगले 1000 दिन तक मैं तुम्हें रोज एक गिफ्ट दूंगा। बस कीजिए, बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं। पहले मुझे लगा आप मेरे लिए साड़ी लेकर आए, साड़ी पे मेरा दिल आ गया, और पता चला साड़ी मेरी नहीं है। फिर मुझे लगा आप मेरे लिए घड़ी लेकर आए, घड़ी पे मेरा दिल आ गया, फिर पता चला घड़ी भी मेरी नहीं है। और मुझे सरप्राइज गिफ्ट में मिला क्या? तो एक किताब। बोल पापा जी, बोल पापा जी। ये पत्नी को खुश रखने के लिए किताब। अंजलि, एक मिनट, आप लोग जरा प्लीज मेरे साथ आइए, प्लीज एक मिनट। कैसे ऐसे हो रहा है जी? भाभी मेहता साहब लेखक है ना, इसलिए किताब गिफ्ट कर दी। तो तुम क्या माधवी भाभी को चौक गिफ्ट करते हो? मुझे मागेस लागलाय। कोणाच्या संगती वार्ता करते तुम्ही? नाही बाबा, कोणाच्या संगती नाही। वेळा होणार वेळा, एका दिवशी असं एकटा बोलायचा नको। आज चाललंय तिथे
अंजलि, अंजलि देखो नाराज मत हो, तुम्हें ये साड़ी और घड़ी पसंद है ना, तो बस ये तुम्हारी है, समझ लो। सच अंजलि जी, ये साड़ी आपको मिस्टर मेहता की तरफ से ही गिफ्ट है, और ये घड़ी भी, ये तो आपकी। अंजलि भाई, इन लोगों ने मेरी मदद की, मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट किया। भाई जब मैंने देखा कि तुम्हें किताब पाके कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं हुई है, लेकिन ये साड़ी और घड़ी तुम्हें बहुत पसंद आई, तो भाई मैंने इनसे कहा कि भाई हमारी पत्नी नाराज हो जाएगी, हमारी इस खूबसूरत पत्नी को ये साड़ी और घड़ी पसंद आ गई, तो आप हमारी कुछ मदद करेंगे? ये मदद करने के लिए तैयार हो गए, तो मैंने इन्हें वादा कर दिया कि बिल्कुल ऐसी ही साड़ी और घड़ी खरीद के मैं कल इन्हें पहुंचा दूंगा, और ये लोग मान गए, तो अब ये गिफ्ट तुम्हारी है। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। वाह वाह, सॉरी सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, वेरी सॉरी। नो नो, इट्स ऑल राइट। अंजलि जी, आई मस्ट से आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो है, लेकिन तारक इतनी महंगी गिफ्ट वापस दे दूं? अरे भाई, तुम्हारी खुशी से बढ़कर थोड़ी है। सच? थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग अगर ये बैग्स आपके साथ एक्सचेंज नहीं होते और आप लोग क्या देने नहीं आते, तो मैं अंजलि को इतनी प्यारी गिफ्ट्स नहीं दे पाता। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। बाय। सॉरी हैं। बाय। सेटलमेंट कर दिया। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मित्ता साहब, कौन से मुहूर्त में आप वो मॉल में गए थे? एक्सचेंज पे एक्सचेंज हो गया सब है। अरे भाई जेठालाल, ये तो शुक्र है कि सिर्फ दो तीन बैग एक्सचेंज हुए, ज्यादा होते तो कुछ नहीं। मेहता साहब, यहाँ पे लाइन लग जाती और सुबह तक एक्सचेंज ऑफर चलता रहता। लेकिन अंजलि बाबी, मानना पड़ेगा, आपको चाहिए थी एक गिफ्ट, लेकिन मेहता साहब ने आपको फटाक से तीन तीन सरप्राइज गिफ्ट दे दी। कांगारू सैसन। हाँ देखो ना, आई एम सरप्राइज नाउ। मेरी माँ हमेशा कहती है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हर बात के लिए तेरी माँ के पास एक और बात तैयार ही रहती है। माँ तो माँ होती है ना। हाँ तो। अरे अंजलि, तुम्हारी गिफ्ट तो हो गई, अब मेरी गिफ्ट का क्या है भाई? ओह माय गॉड, आपका सरप्राइज गिफ्ट रेडी है। डिलीशियस मसालेदार खाना, तारक्स फेवरेट। अरे मेहता साहब, जाइए जाइए, आपके यहाँ मस्त मसालेदार कचोरियाँ बनी है, खाइए और अपना सरप्राइज एंजॉय कीजिए। अरे आता कोण आलं? अरे बाप रे, इसके पास भी सेम टू सेम बैग है। हे भगवान, एक और एक्सचेंज चाललंय काय? मिस्टर तारक मेहता कहाँ रहते हैं? मैं हूँ तारक मेहता, कहिए जी। मैं शॉपिंग मॉल से आया हूँ, आपने जो किताब खरीदी थी उसके साथ ये फ्री है। फायर अलार्म की भगदड़ की वजह से हम आपको दे नहीं पाए, ये लीजिए। थैंक यू भैया, थैंक यू। क्या बात है भाई, मेहता साहब एक और गिफ्ट। क्या क्या फ्री में क्या मिला मेहता साहब, देखो तो सही जरा। हाँ देखो देखो, मॉल वाले आजकल कमाल हुए, घर तक गिफ्ट देने आते हैं। आपको तो चार चार सरप्राइज गिफ्ट मिल गए। और अब ये सरप्राइज गिफ्ट देखिए। पति को खुश रखने के हजार तरीके। मेहता साहब, आपने भी क्या किताब लाया। वाह वाह वाह, आज तो तुमने सचमुच मुझे चौंका दिया अंजलि, माय लवली अंजलि, क्या बात है। पहले तो कचोरी, फिर वो घी वाले पराठे, कश्मीरी पुलाव, बैंगन का भरता, अभी तो उनका स्वाद भी मुंह से गायब नहीं हुआ, और ये बासुंदी, आ हा हा हा, क्या बात है, मजा आ गया। थैंक यू तारक, थैंक यू सो मच। आई एम हैप्पी कि आपको ये सब पसंद आया। वैसे एक बात बताऊं, आपने भी आज मुझे सरप्राइज गिफ्ट पे गिफ्ट देके ना बहुत खुश कर दिया। ये सब मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। आई एम सो हैप्पी, इतना मजा आया आज सच में। मजा आ गया ना, तो बस मुझे आज एक छोटा सा प्रॉमिस कर दो, जिंदगी में दोबारा कभी सरप्राइज गिफ्ट नहीं मांगोगी।
क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? तारक, ऐसा प्रॉमिस दुनिया की कोई पत्नी नहीं करेगी। ठीक है, तुम प्रॉमिस करो ना करो, लेकिन अभी तुम्हारे सरप्राइज बाकी है मेरे दोस्त। डोंट टेल मी तारक कि आप मुझे एक और सरप्राइज देने वाले हैं। देखिए ये पुस्तक मैं पहले पढ़ूंगा, पत्नी को खुश रखने के 1000 तरीके। हाँ, हालांकि मुझे आते हैं लेकिन फिर भी पढ़ने में क्या हर्ज है। और अब आपके लिए पति को खुश रखने के 1000 तरीके। तारक मैं तो आपको खुश रखती हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल रखती है, लेकिन एक छोटी सी सलाह है बस, इस किताब को पढ़ लेना, लेकिन 1000 तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक तरीका अपना दो अंजलि मैं खुश रहूंगा। अच्छा खाना खिलाती रहो बस। हाँ लेकिन महीने में सिर्फ एक बार। तुम नहीं सुधरोगी अंजलि। एनीवेज अभी तो खाओ। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यं लोपजायते। आदित्यस्य नमस्कारम समर्पयामि। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या बात है, मस्त लग रहे। थैंक यू सो मच। सुबह सुबह इतना तैयार होके किस तरफ जा रहे? वो एक्चुअली मेरी कजिन के घर में एक फंक्शन है तो मैं वहीं पे जा रही हूँ। अच्छा, अकेले ही जा रहे हो अय्यर भाई? वो ऑफिस से डायरेक्टली आ जाएगा वहाँ पे। तो 2 मिनट रुकिए, मैं बस दुकान जा ही रहा हूँ, आपको रास्ते में छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं इट्स ओके जेठा जी, मैं चली जाऊंगी। ओके बाय। बबीता जी एक सवाल पूछना है, पूछ सकता हूँ? थोड़ा पर्सनल है। ओके। ये जो आपने ड्रेस पहना है वो जबरदस्त है। थैंक यू सो मच। तो बता सकते हैं ये ड्रेस आपने कहाँ से खरीदा? वो एक बुटीक है। नहीं नहीं कान की बुटीक नहीं, ड्रेस ड्रेस ये ड्रेस। जीहू में एक शॉप है, मैंने वहां से खरीदा है। ओहो, लगता है परफ्यूम भी आपने वहीं से खरीदा होगा, यहाँ तक खुशबू आ रही है। परफ्यूम मैंने लगाया टप्पू के पापा। बबीता जी हाय। हाय देव भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं चलूं, मैं जरा लेट हो रही हूँ। बाय 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 बबीता जी। तू क्यों सुबह सुबह परफ्यूम लगा के घूम रही है? अरे क्यों, भूल गए? आप ही ने तो मुझे परफ्यूम की बोतल दी थी, वो कबाट में साड़ियों के अंदर कहीं छिप गई थी, अभी हाथ में आई तो सोचा कि परफ्यूम लगा कर आपको सुंघाऊं। जरा सुंघ के बताइए ना कैसी लगी। सुंघिए ना। हाँ बढ़िया बढ़िया है, जबरदस्त सुगंध आ रही है। चल अभी चाय ला। यहाँ? अरे अंदर भाई, यहाँ क्या? तो ठीक, मैं समझी आपको यहाँ चाय चाहिए। ओहो बाबा, कितने दिनों के बाद ब्लैकबोर्ड को डाइनिंग टेबल की तरह यूज किया। टू इन वन। अच्छा बाबा, मेरे फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है, जरा उस पे साइन कर दीजिए ना प्लीज। एग्जाम का टाइम टेबल आ गया? हाँ। और तुमने मुझे बताया भी नहीं। बाबा कल ही मिला है। तो कल हम भी तो मिले थे। सॉरी मैं आपको बताना भूल गई। अरे क्या भूल गई सोनू, अगर तुमने मुझे कल बताया होता तो हम लोग कल से एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते, 24 घंटे वेस्ट हो गए। सॉरी बाबा। आहो ठीक है ना, कल से थोड़ी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, टाइम है अभी एग्जाम को। और बाबा आप टेंशन मत लीजिए, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी और अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगी। ए भाई गाना बंद कर, फाइनल एग्जाम सर पे आ रही है ना। अरे हाँ पापा, उसी का टाइम टेबल है, साइन करके दीजिए ना। आ गया टाइम टेबल, और तू इधर गाना गा रहा है? तो अभी पढ़ाई कब से शुरू करनी है भाई? अभी आज टाइम टेबल आया तो 4-5 दिन में शुरू। अरे दया, अरे भाई कुछ मत ला, खाली अपने आप को लेके आ। तो ये आई, बोलिया क्यों मंगवाया मुझे? ये आपके सहजादे के फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है। ये मैंने इससे पूछा कि भाई साहब कब से पढ़ाई शुरू करने का इरादा है, तो सहजादे बोल रहे हैं कि 3-4 दिन बाद अच्छा सा मुहूर्त देख के फिर पढ़ाई शुरू करूंगा। ओहो, वाह, वाह। मर, मर, मर। क्या वाह क्या वाह क्या? अरे मेरा सहजादा पढ़ाई शुरू करने वाला है तो मैं तो वाह ही कहूंगी ना।
अरे भाई आग लगने पर थोड़ी कुआ खोदते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा कुआ खोदना चाहिए ना। हाँ टप्पू बेटा वो तो है। हाँ लेकिन मम्मी अभी मैं कुआ खोदू के स्कूल जाऊ? हाँ वो भी है। अरे क्या वो भी है, मैं सच्ची का कुआ खोदने की थोड़ी बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करेगा बेटा तो लास्ट में फाइनल एग्जाम के टाइम पे बहुत सारी पढ़ाई एक साथ में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। बेटा टीपे टीपे सरोवर भराए तो तुम्हारे पापा को ही देखो, थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने बिजनेस शुरू किया और आज देखो धंधे को कैसे जमा दिया है। अरे हाँ पापा धंधा कैसा चल रहा है? क्या फिर से पूछ क्या क्या? कुछ नहीं पापा मस्ती। सॉरी थैंक यू, बाय बाय। तूने मेरी एंट्री और दिल में बजी। और कैसा चल रहा है धंधा पापा? अरे तू क्या हंस रही है? रोज ऐसे थोड़ा थोड़ा हंसने से एक दिन तबीयत एकदम अच्छी हो जाएगी। ऐसे हंस हंस के उसको प्रोत्साहन देकर तूने उसके सर पर चढ़ाया है। मैं उसको पढ़ाई को लेकर डांट रहा था और मुझे पूछ रहा है धंधा कैसे चल रहा है पापा। टप्पू के पापा वो मजाक कर रहा था और देखे टप्पू के पापा अब आप बार बार टप्पू को ऐसे डांटिया मत। टप्पू अभी छोटा नहीं है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और एक बात शायद आपके ध्यान में नहीं आई होगी, टप्पू के पैर आपके पैर जितने बड़े हो गए है। हाँ पता है ना, कभी कभी मेरा जूते पहन कर निकल जाता है। तो इसका मतलब आप समझे? हाँ अभी मुझे अपने जूता संभाल कर रखने पड़ेंगे। ओहो नहीं समझे, चलो मैं समझाती हूँ। मेरा मतलब ये है कि आप और टप्पू अब समोवड़िया हो गए हैं। मतलब बराबर के हो गए हैं। क्या मतलब, तू कहना क्या चाह रही है? देखिए मेरी माँ हमेशा कहती है कि जब बाप के जूते बेटे को होने लगे तब बाप को अपने बेटे को बेटा नहीं अपना दोस्त समझना चाहिए। अब मैं ठीक तरह से समझाती हूँ। मेरे बापूजी के जूते सुंदर वीरा को होने लगे ना, उसी क्षण से बापूजी ने सुंदर वीरा को अपना बेटा मानना छोड़ दिया। ओहो ससुर जी ने भी हाथ धो लिए। बापूजी तो खाना नहीं खा रहे थे। समझी नहीं। तो उसी क्षण बापूजी सुंदर वीरा को अपना दोस्त अपना सलाहकार मानने लगे। सुंदर वीरा को? अरे यहाँ मेरे और टप्पू के जूते की बात चल रही है, उसमें तो यह सुंदर वीरा का जूता बीच में क्या घुसड़ रही है? और माना टप्पू बड़ा हो रहा है, उसको मेरे जूते होने लगे, इसका मतलब यह नहीं कि मेरा बाप बन के घूमे। घर में एक बापूजी काफी है। अरे टप्पू के पापा बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? देखिए आप टप्पू को छोटा समझकर नहीं बड़ा समझकर उसके साथ बात कीजिए। अरे भाई उसकी पढ़ाई करने की उम्र है तो उसके साथ पढ़ाई की बातें करूंगा ना, धंधे की बात थोड़ी करूंगा। अभी बेटा धंधे में क्या करना चाहिए, धंधा बढ़ाने के लिए बोल बेटा क्या करूं, ऐसी बातें थोड़ी करूं। टप्पू के पापा मेरा मतलब ये है कि आप टप्पू के साथ टप्पू के जैसा छोटा बनकर बात कीजिए। अच्छा मैं छोटा हो जाऊं, मतलब छोटा बच्चा बन के बात करूं? नहीं, आप बड़े ही रहिए, आप छोटे मत बनिए। पर सिर्फ जब टप्पू के साथ बात करते हैं तब आप बड़े नहीं छोटे हो जाइए। बाकी हमारा टप्पू तो हमारी नजरों के सामने बड़ा होकर भी छोटा ही रहेगा। फिर भी आप टप्पू को छोटा मत समझिए, उसके साथ बड़े के जैसे ही बात कीजिए। अरे क्या बोल रही है तू, पहले तूने कहा टप्पू जितना छोटा बनकर टप्पू के साथ बात करो, कभी कहती है बड़ा बनकर बात करो, पहले तू बड़ी हो क्या? ठीक है। अरे क्या ठीक है, अरे मैं तो बड़ी ही हूँ और आप भी बड़े ही है। मन में कोई शंका मत लाइए, लेकिन आपको टप्पू के लिए छोटा बनने में तकलीफ क्या है टप्पू के पापा? पहले कहती है टप्पू के साथ टप्पू जितना छोटा बन के बात करो, और अभी क्या बोली? कुछ तो बोली जो अभी तू बोली
टप्पू को छोटा मत समझिए, टप्पू के साथ बड़े के जैसे बात करो। ऐसे बोली तो एक मिनट टप्पू के पापा, मैं पहले से शुरू करती हूँ। देखिए बापूजी बड़े हैं, आप बड़े हैं, मैं बड़ी हूँ और टप्पू बड़ा हो रहा है। चुप। दोस्तों जब बेटा बड़ा हो जाता है तो बाप और बेटे में तनातनी की शुरुआत हो जाती है। भाई बहुत सीरियस बात नहीं है, लेकिन बात इतनी सी है कि इस पीढ़ी के विचार कुछ और होते हैं, उस पीढ़ी के विचार कुछ और होते हैं, और दोनों को ही एक दूसरे के विचार और बातें पसंद नहीं आती। लेकिन ये जनरेशन गैप हर दौर में रहा है, इसीलिए तो मेरे परम मित्र जेठालाल की नोकझोंक अपने सुपुत्र टप्पू से शुरू हो गई है। जेठालाल ने टप्पू की एग्जाम को लेकर, टप्पू की पढ़ाई को लेकर उन्हें डांट दिया है, तो बदले में टप्पू ने उल्टे उनसे उनके धंधे के बारे में सवाल पूछ लिए। भाई पिता को भी समझना चाहिए, जब पिता का जूता बेटे के पाँव में आने लगे तो उसे डांटना नहीं चाहिए, उसे दोस्त बना लेना चाहिए। लेकिन इस वक्त यहाँ पे टप्पू के एग्जाम्स का टाइम टेबल आ गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि टप्पू से ना एग्जाम्स का टाइम टेबल फॉलो करेगी या शरारत का टाइम टेबल चलेगा उनका? जो भी होगा ये तय है कि टप्पू से ना बहुत बड़ा हंगामा करने वाली है, लेकिन वो हंगामा क्या होगा तब पता चलेगा जब आप देखेंगे अगला एपिसोड मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, और हाँ हंसने का टाइम टेबल फिक्स है, रोज रात 8:30 बजे। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।